नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से खड़ी है किसानों के लिए। अकमल नईम खान मुन्ना भाई। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां बलिया विधानसभा 361 के सपा नेता अकमल नईम खान मुन्ना भाई पूर्व प्रदेश सचिव ने अपनी बयान जारी कर बताया, अहंकारी भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण व काले कृषि कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा। क्या क्या नहीं किया, कील लगाई, सड़कों पर बुलडोजर लगवाया, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, फर्जी कहा, लेकिन किसानों से मिल रही चुनौती और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिल रहे अपार जन समर्थन से साहब डर गए। समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भाजपा की सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी, उन्हें अपशब्द कहने वालों को सजा मिलेगी भी या नहीं। आंदोलन के दौरान मृत किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिले। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अकमल नईम खान मुन्ना, नेता बलिया विधानसभा, आज देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून जो वापस लिए हैं, ये इनको तो बहुत पहले ले लेना चाहिए, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए और समाजवादी पार्टी हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की यात्रा, विजय यात्रा जो पखनपुरा से लखनऊ तक हुआ है, रात भर जनता हाईवे से लेकर और पखनपुरा से लेकर रात भर जनता खड़ी रही स्वागत में। हर जगह जगह हम लोग बहुत तक गए थे, अपने समर्थकों के साथ उस मीटिंग में शामिल हुए, लाखों लाख की संख्या में लोग मौजूद थे। उससे घबरा कर इसको ये नहीं मालूम था जल्दबाजी में ये कृषि कानून, काला कानून जो इसको हम लोगों ने दिया है, चाहे किसान आंदोलन हुआ, इतने 800 लोग किसान मर गए, शहीद हो गए, इनको आज तक उनकी हाल चाल पूछने के लिए 100 मीटर की दूरी पर अपने पार्लियामेंट हाउस से साउथ ब्लॉक से ये पहुंच नहीं सकते हजरत। ये कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं बहुत किसानों के हितैषी हूं। किसान के साथ विश्वासघात इन्होंने किया, अभी भी इनके बात पर हमको भरोसा नहीं है। हम समाजवादी इन पे भरोसा नहीं करते हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, झूठ बोलने में एक कामयाब है, झूठ बोलते हैं, जनता के आगे झुके हैं। जब ये आपके किसान आंदोलन जो इतना बड़ा हुआ है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन साल भर 11 महीने से ऊपर हो गया और 800 किसान शहीद हो गए, इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ था। इसको अब एहसास हुआ है कि लोकतंत्र की मर्यादा क्या होती है, चाहे लोकतंत्र क्या है, नहीं तो लोकतंत्र के बारे में इनको ज्ञान ही नहीं था। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता के आप सेवक हैं, आप कहते हैं कि प्रधान सेवक भी हैं, एक बार भी किसान को पूछे नहीं। इनकी हालत वो है कि आज जो है इनकी सभाएं में भीड़ नहीं हो रही है, पैसे दे के बुला रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो इन्होंने उद्घाटन किया, ये डीएम सुल्तानपुर को पैसा देकर बुलवाया गया कि भाई आप जनता बुलाइए, फिर भी जनता नहीं आ रही है। हमारे नेता के आंदोलन ये विजय यात्रा देखकर ये घबरा चुके हैं, इस घबराहट में रात को इसको नींद नहीं आई तो सुबह सबसे पहले